आज हम शुरू करते हैं 8th क्लास का पहला चैप्टर। ठीक है, ये अब सिलेबस से हटा दिया गया है, इसकी जगह पे औरतों का दर्जा शुमार कर लिया गया है सिलेबस में, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि मैम इसे भी बनाइए, तो इसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये आपका 6th क्लास का 26 नंबर चैप्टर भी है ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर अलग अलग है, तो इसलिए मैं अलग अलग ही बनाऊँगी, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा वतन, क्या नाम है आपकी इस नज़्म का? हमारा वतन। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। ठीक है, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। अब इन्होंने ये तीन लाइन में क्या कहा कि ये जो है ये हिंदुस्तान है हमारा वतन है। ठीक है, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, यानी कि हमारे लिए हमारा वतन बहुत अजीज़ है। जिस तरह से जो बहुत प्यारा होता है उसे क्या कहा जाता है? आँखों का तारा। ये मुहावरा है ना, तो हमारे लिए भी ये हमारा वतन आँखों का तारा है, यानी हमें हमारा वतन बहुत अजीज़ है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी जो हमारा वतन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है। वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधों की फुआरियाँ। ठीक है, वो फुआरियाँ हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी अब क्या कहते हैं? वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ। ठीक है, यानी अब इसकी जो दरख्त हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं, ये दरख्तों का बता रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कितने अलग अलग तरह के कितने अच्छे अच्छे दरख्त होते हैं। वो फल फूल पौधे, वो फुआरियाँ। ठीक है, फुलवारियाँ, यानी अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ के फल यहाँ के पौधे, मतलब ये है कि ये अपने वतन यानी हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं कि यहाँ के फल फूल पौधे और फुलवारियाँ, यानी कि इन सबको मिला के क्या बन गए? फुलवारियाँ, यानी जो गार्डन्स के किनारे ये सब चीज़ें, उसको हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी हमारा वतन जो है वो हमारे लिए दिल से अजीज़ है। अब ये क्या लिखते हैं? हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जब हवा चलती है तो हवा में पेड़ झूमते, तो दरख्त माने क्या होता है? पेड़। ठीक है, दरख्तों का झूमना, यानी कि जब हवा चलती है तो दरख्त हिलते हैं, उसको झूमने से तशबीह दी गई है कि यानी वो पेड़ जो है वो झूम रहे हैं। पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, अब पत्तों के बीच में से ही फूल निकलते हैं, आप देखेंगे तो जब भी कोई फूल होता है उसके चारों तरफ ढेर सारे पत्ते होते हैं। ठीक है, तो अब ये उन्होंने एक मंजर निगारी टाइप की है कि किस तरह से जो फूल है उसका मुँह चूम रहे हैं पत्ते, है ना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, यानी जो पत्ते हैं वो फूलों का मुँह चूम रहे हैं, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। वो सावन में काले घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, यानी अब क्या कहते हैं? सावन, सावन माने बारिश का महीना है ना, जब बारिश आती है तो सावन माने हो गया बारिश, तो बारिश में क्या होता है? काली काली घटाएं छाती है, यानी कि बादल आ जाते हैं आसमानों पे काले काले, तो उसे ही कह रहे हैं वो सावन में काली काली घटा की बहार। ठीक है, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, अब बरसात जब होती है तो उसमें भीमी भीमी बूंदें पड़ती हैं ना, जो बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। यानी हमारा जो वतन है हिंदुस्तान, उसमें हर तरह के मौसम होते हैं और हर तरह का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला मिसरा क्या है? वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, यानी अब क्या कह रहे हैं? बागों में, आम के बागों में कौन बोलती है? कोयल बोलती है। ठीक है, यानी हमारे वहाँ आम के बागों में कोयल भी है, और जंगल में क्या नाचते हैं? मोर। ठीक है, यानी यहाँ पे बागों में कोयल बोल रही है, जंगलों में मोर नाच रहे हैं। वो गंगा की लहरें, अब गंगा नदी है तो गंगा नदी में लहरें उठती हैं, वो जमुना का जोर, जमुना में भी लहरें उठती हैं, है ना, तो जोर का मतलब भी यहाँ पे लहरों से ही है, जो पानी जोर से आके टकराता है और फिर वापस जाता है ना, लहरें जो चलती रहती हैं, है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो गंगा जमुना दोनों हमारे हिंदुस्तान की अच्छी फेमस नदियाँ हैं ना, गंगा मेन नदी और उसकी सहायक नदी जमुना है। ठीक है ना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। अब अगला इसका क्या है? इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, यानी यही दो चीज़ें। अब देखिए, आपको ये वाला पहला ये मिसरा पहले पढ़ें और इसको बाद में पढ़ें, तो आपका मीनिंग बिल्कुल सामने आ जाएगा। यानी वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार से ही ज़िंदगी की बहार है ना। यानी पहला जो दूसरा मिसरा है वो आप पहले पढ़ें, वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार से ही ज़िंदगी की बहार है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, तो ये नज़्म किसने लिखी है? चकबस्त ने लिखी है। ठीक, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म कर देंगे।
अब आपका पहला जो लफ्ज़ है उस क्या लिखा है, आँखों का तारा। ठीक है, आँखों का तारा ये मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। ठीक है, अगला क्या है, तैयारियाँ। ठीक है, तैयारियाँ हम किसे कहते हैं, जब हम किसी काम के लिए तैयारियाँ शुरू करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुराद सजावट से है। ठीक है, ये जो आरास्तगी आ रही है, यानी कि जो उसका मौसम आ रहा है, उससे ही कह रहे हैं ये। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर वन, कि शायर ने सावन का नक्शा किस तरह खींचा है। सावन किसे कहा गया है, बारिश के महीने को, है ना, तो किस तरह से उसने नक्शा खींचा है। शायर ने सावन के खुशगवार मौसम की खूबियाँ बयान की हैं, यानी कि शायर ने जो है उस मौसम की खूबियाँ बयान की हैं। सावन के महीने में काली घटाएँ छाती हैं, हल्की हल्की बूंदें मौसम की दिलकशी में इजाफा कर देती हैं। इजाफा कर देती हैं यानी कि बढ़ा देती हैं उसकी खूबसूरती को, है ना। और काली काली घटाएँ छाने का मतलब ये होता है कि काले काले बादल छाते हैं, हर तरफ हरियाली छा जाती है और बागों में परिंदे चहचहाने लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसे देख के कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर टू जो है, यानी सवाल नंबर दो, वो क्या लिखा है, नज़्म में किन दो दरियाओं का जिक्र किया गया है। तो अब नज़्म में कौन कौन से दो दरिया आए हैं, एक आया है गंगा और दूसरा कौन सा आया है, जमुना। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे पूरा कि नज़्म में गंगा और जमुना, ठीक है, दो दरियाओं का जिक्र किया गया है। अच्छा, यहाँ दरिया लिखा है, यहाँ इन्होंने नदियाँ लिख दिया है। चलिए, अच्छा अब तीसरा सवाल क्या है आपका, शायर ने किन किन चीज़ों को ज़िंदगी की बहार कहा है। ठीक है, तो किसको किसको कहा है, एक माँ की मोहब्बत को, एक वतन को, है ना। तो क्या देखिए, यहाँ लिखा है, शायर ने वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार को ज़िंदगी की बहार कहा है। अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, शायर को अपना देश क्यों प्यारा है, यानी कि शायर को अपना वतन क्यों प्यारा है। तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे, जवाब, शायर को अपना वतन, शायर को अपने वतन के कुदरती मनाजिर, यानी कि जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, चिड़िया, पहाड़, कुदरती मनाजिर, यानी कि जो अल्लाह मियाँ की तरफ से दिए गए मंजर हैं, मौसम, बाग, फल फूल और परिंदों की चहचहाहट वगैरह से ख़ास लगाव है, इसलिए उसने अपने देश को प्यारा कहा है, यानी कि इसीलिए उसे अपने देश से प्यार है। ठीक है ना, तो आप लिख लेंगे। अब अगला आपका टॉपिक क्या है, मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, अब आपको पहला मिसरा यहाँ दिया गया है, मोहब्बत की आंखों का, तो आपको इस जगह पे क्या लिखना है, तारा वतन। अगला क्या दिया आपको, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है ना, फिर क्या लिखा है, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। ठीक, तो आप लोग इसे कर लेंगे। अब नीचे आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि मुतजाद अल्फाज लिखे, है ना। मुतजाद किसे कहा जाता है, उल्टे लफ्ज़। तो अब इसमें पहला क्या लिखा है, मोहब्बत, तो मोहब्बत का क्या हो जाएगा, नफ़रत। कमज़ोर, कमज़ोर का क्या हो जाएगा, ताकतवर। ठंडा, गरम, है ना, बहादुर का डरपोक। तो इस तरह से आप लोग ये कर लेंगे। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो मिसालें दी गई हैं उसके मुताबिक जोड़े बनाए, है ना। तो अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे तैयारियाँ, क्योंकि ये आपकी गाइड है, इस वजह से इसमें आंसर दिए हुए हैं। तो अब अगर बुक देखेंगे आप, तो बुक में ये अलग अलग होगा। पहली बात तो ये कि ये चैप्टर बुक में है ही नहीं, लेकिन आप लोग की फरमाइश पे ही बनाया जा रहा है, चलिए पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, तैयारियाँ, तैयारियाँ का क्या, फुलवारियाँ, इसे हम लोग कहते हैं शायरी में काफिया। यानी कि देखिए, लास्ट के जो कुछ वर्ड्स होंगे वो एक जैसे होंगे, आवाज़ें दोनों में एक से आएंगी, जैसे तैयारियाँ और फुलवारियाँ, तो रे, ये अलीफ और नून देखिए दोनों में है, है ना। इसी तरह से देखिए, झूमना और चूमना, तो दोनों में देखिए वाव, मीम, नून, अलिफ, तीनों दोनों में है। ठीक है ना, इसे कहते हैं काफिया। ठीक, अब जैसे हमारा तारा, ठीक है, बहार, फुहार, मोर, जोर, तो इस तरह से क्या होता है कि वो वर्ड्स जो एक जैसी आवाज़ पे ख़त्म होते हैं उसको हम लोग शायरी में क्या कहते हैं, काफिया। तो ऐसे ही वर्ड्स आपको जोड़े बनाने थे, यहाँ पे जोड़े बने हुए हैं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।